महिलाओं का सशक्तिकरण, इस अभियान को कोई आज ही हम शुरू कर रहे हैं ऐसा नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी इस अभियान को चला भी रही है। आप सब लोगों के ध्यान में है कि देश के पार्लियामेंट से भी मां बहनों के लिए 33% रिजर्वेशन की बिल भी पारित हुआ। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा संकल्प कि मां बहनों को सशक्तिकरण के लिए कि 33% सीटें लोकसभा विधानसभाओं में उनके लिए अब आरक्षित हुआ कि आने वाले कल वो सब हम सबको दिखाई पड़ेगा। उसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री पहले भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत किए, हम सबको पता है। फिर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो उजाला योजना के तहत मुफ्त में गैस लोगों को उपलब्ध कराना, जो गरीब से गरीब घरों में भी आप गैस के कनेक्शन उपलब्ध हुआ, ये संभव हो सका और इसका लाभ बढ़ा, तो जिसको कह सकते हमारी माँ बहनों को ही इसका लाभ मिला। फिर स्वच्छ भारत अभियान आप सबके ध्यान में है, जिसे अपनी माँ बहनों की जो इज्जत किस प्रकार से उनको परेशानी होता था, कभी इज्जत घर देने का भी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जो गर्भवती महिला को पहले बच्चे देने पर 5,000 रुपया तक की सहायता, फिर लाखपति दीदी योजना पूरे देश भर में चल रहा है, फिर एक 3 तलाक जैसे जो कुप्रथा थी उस भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कानून बना करके उसको समाप्त किया। फिर जनधन योजना के तहत माँ बहनों के 30 करोड़ खाता भी पूरा देश में खोला गया, हम सब लोग जानते हैं उसका लाभ को भी। फिर सरकारी जो कर्मचारी महिलाएं होती थी कि उनको पहले क्या कहते हैं कि मातृत्व अवकाश उनको 12 सप्ताह ही मिलता था, उसको बढ़ा करके उन्होंने 26 सप्ताह भी किया। फिर झारखंड राज्य में ही आप सबको पता है कि पहले माँ बहनों के लिए जो 50 लाख रुपया तक की संपत्ति में रजिस्ट्री फीस मात्र 1 रुपया लगता था, और झारखंड बनते ही झारखंड के बच्चों को भी हम लोगों ने साइकिल देना भी प्रारंभ किया था उस झारखंड की धरती से। मैंने कुछ उदाहरण इसलिए दिया ताकि आप ये समझ सके कि कभी कभी लोगों के दिमाग में आता है कि शायद हेमंत सोरेन कर रहे हैं तो इसी कारण से बीजेपी ये कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सदैव ही अपनी यानी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेकों योजना चलाई है, उनमें से मैंने कुछ योजना को आप सबके समझ रखा है। और आज मैं ये कह रहा था कि जो 5 प्राण जो आज लेने वाले हैं, तो उसमें से एक योजना है गोगो दीदी योजना, जिसके तहत प्रत्येक महीना और 11 तारीख को ही 2100 रुपया मिला करेगा। गोगो दीदी योजना की थोड़ी बता देते हैं, नहीं तो सोचेंगे गोगो क्या होता है। गोगो यानी यहाँ एक ट्राइबल में से संथाली शब्द है कि संथाली अपनी माँ को गोगो हम लोग बोलते हैं, और दीदी के बारे में तो मुझे नहीं लगता है कोई आप सब लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये गोगो दीदी योजना ताकि अपनी माँ बहने मजबूत हो सके, और इसका भी आप सब लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा करती है वो करती है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के जहाँ कहीं भी सरकारें हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, ऐसे कई राज्यों में माँ बहनों के सशक्तिकरण के, महिला सशक्तिकरण की कई योजनाएं चल रही हैं। उसी प्रकार से दूसरा जो योजना है, हम राज्य के सभी परिवारों को यानी 500 रुपया LPG गैस सिलेंडर प्रदान करेंगे, और उसके साथ साथ
साल में दो गैस सिलेंडर मुफ्त में मिला करेगा, हर मुफ्त में वो दो पर्व में मिला करेगा, ताकि वो मुफ्त में हमारी माँ बहनों को कोई परेशानी नहीं हो। पर्व के समय होता है कि बच्चों के लिए हम कपड़ा खरीदें कि हम गैस खरीदें, तो उनको ये सुविधा हो जाए तब, इसलिए पार्टी ने तय किया कि इसको करेंगे। और उसके बाद 5 वर्षों के भीतर झारखंड के युवाओं को 5 लाख रोजगार उपलब्ध कराए। उसके अलावे साथ में जो झारखंड में 2,87,500 सरकारी पद रिक्त है उसकी भर्ती को भी सुनिश्चित किया जाएगा, और उसमें से पहली कैबिनेट में सरकार बनते ही ये भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ कर दी जाएगी। और नवंबर 2025 तक, यानी अगला जो 2025 की नवंबर जब 25 साल पूरा होगा, तो 1.5 लाख सरकारी पदों पर नियुक्तियां पूरी कर ली जाएगी। उसके लिए वार्षिक जो कैलेंडर बनाया जाएगा, समय से एग्जाम लेना, समय से एग्जाम का परिणाम और समय से जॉब लोगों को देने, अपॉइंटमेंट लेटर लोगों को देना, तो ये सब, और उसके साथ साथ 1 लाख लोगों को रोजगार के एक अतिरिक्त अवसर भी उपलब्ध कराया जाएगा, सृजन किया जाएगा। उसके साथ चौथा है कि झारखंड में जो स्नातक और स्नातकोत्तर जो बच्चे बीए और एमए जो किए हुए रहते हैं, अपने कैरियर के लिए जो संघर्ष करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, घर से भी करते हैं, बाहर में भी जा करके करते हैं, तो ऐसे लोगों को, उन्हें ऐसे बच्चों को 2 वर्षों की अवधि के लिए प्रत्येक माह 2,000 रुपया की भत्ता, यानी उसको युवा साथी भत्ता प्रदान किया जाएगा। उसके बाद जो पांचवा है कि सभी के लिए आवास, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। कहने का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति छत विहीन नहीं रहेंगे, सबको पक्के मकान उपलब्ध कराया जाएगा। और अभी जो उनको हेमंत की सरकार में कई एक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कि अपने घर बनाने के लिए भी उनको बालू नहीं मिलता है, तो उन्होंने कहा कि वैसा सब लोगों को बालू फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। और तो ये कुल मिलाकर के 21 लाख पीएम आवास योजना को ये पूरा, जिसको कहते हैं कि सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के ये जो 5 प्राण जिसकी हम बोले कि आज आप सबके समक्ष हम सब लोगों ने रखा है, तो मुझे लगता है कि ये जो 5 प्राण था 5 तारीख को और 5 बजे आप सबके समक्ष हमने रख दिया है। अगर आप सबके मन में कोई बातें हैं तो हमसे भी पूछ सकते हैं, तो हमारे प्रभारी साहब प्रभारी दोनों से भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन एक एक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।